जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही देख रहे हैं। विनेश फोगाट को डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया है पेरिस ओलंपिक से, और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक है आज के दिन का। जहाँ पर हम सभी उम्मीद लगाए बैठे थे कि विनेश भारत को आज एक गोल्ड दिलाएंगी, यहाँ पर जो ओलंपिक कमेटी है उसने विनेश को यहाँ पर डिस्क्वालिफाइड कर दिया है पेरिस ओलंपिक से। ये जो शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हुए हैं, ये अभी से कुछ देर पहले ही हुए हैं, जहाँ पर विनेश फोगाट को आज सुबह यहाँ पर अपना जो वेट मेजर करना था वहाँ पर वो ओवर वेट मिली, और आप लोग जान के दंग रहेंगे कि कितना वेट ज़्यादा था उनका। उनका सिर्फ 100 ग्राम ज़्यादा था 50 kg से, लेकिन इसी वजह से उनको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है पेरिस ओलंपिक से। यहाँ पर हर जो एथलीट है उसको हर मैच से पहले सुबह यहाँ पर अपना वेट जो है वो मेजर करना पड़ता है रेसलिंग में, क्योंकि रेसलिंग के इवेंट्स यहाँ पर 2 ही दिन में ख़त्म हो जाते हैं। तो आज सुबह जब विनेश का वेट यहाँ पर लिया गया, तब उनको 50 ग्राम से 100 ग्राम ज़्यादा उनका वेट मिला, और इसीलिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक है। उनके कोच ने कहा है कि शी वॉज फाउंड ओवर वेट बाय 100 ग्राम दिस मॉर्निंग एंड द रूल्स डू नॉट अलाउ दिस एंड शी हैज़ बीन डिस्क्वालीफाइड एन इंडियन कोच सेड ऑन वेंसडे। यानी कि यहाँ पर अब भारत की जो गोल्ड की उम्मीदें थी विनेश से, वो समाप्त हो चुकी हैं। और इसके ऊपर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ पर ट्वीट किया है कुछ देर पहले ही, जिसमें उन्होंने लिखा है, विनेश यू आर अ चैम्पियन अमंग चैम्पियंस, यू आर इंडियाज प्राइड एंड इंस्पिरेशन फॉर ईच एंड एवरी इंडियन। टुडे सेटबैक हर्ट्स, आई विश वर्ड्स कुड एक्सप्रेस द सेंस ऑफ डिस्पेयर दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग। एट द सेम टाइम आई नो दैट यू एपिटोमाइज रेजिलियंस एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन योर नेचर टू टेक चैलेंजेस हेड ऑन, कम बैक स्ट्रॉन्गर, वी आर ऑल रूटिंग फॉर यू। हम सभी विनेश के साथ हैं, उन्होंने भी कहा है, और हम सभी को मतलब हम तो फील भी नहीं कर सकते उनका जो दुख है। आज इतने सालों बाद, इतनी मेहनत के बाद वो यहाँ तक पहुँची थी, और भाग्य का यहाँ पर खेल देखिए, और ओलंपिक्स के जो नियम देखिए, यहाँ पर सिर्फ 100 ग्राम ज़्यादा होने की वजह से उनको उनका जो गोल्ड है उससे वंचित रहना पड़ेगा। और ये जो ठेस है भारत को चुभेगी, हमेशा चुभेगी, हम सभी को चुभेगी। और आगे आने वाले जो अभी इवेंट्स बाकी हैं, वहाँ पर भी भारतीय एथलीट्स उनका जो मनोबल है वो ज़रूर टूट जाएगा। अब यहाँ पर भारत को ज़रूर 2 गोल्ड की उम्मीद थी, एक विनेश से और एक नीरज चोपड़ा से, लेकिन ये जो गोल्ड की उम्मीद है ये आज समाप्त हो चुकी है, और मुझे ये कहने में बहुत ही दुख हो रहा है अभी।